आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे मुंगेर भागलपुर NH80 राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहां कहां कितना पानी है, इस रूट लाइन की नागरिक को यातायात में कितना परेशानी होता है। हालांकि हमारे संवाददाता और कई अन्य सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिला है कि लगभग 2-3 महीने से यानी जब से बरियारपुर और घोरघाट सुल्तानगंज के बीच NH80 राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम शुरू हुआ है, तब से इस एरिया की जिंदगी नर्क हो गया है। ये जो देख रहे हैं ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि ये बारिश का पानी है। जगह जगह पर इतना गड्ढा है कि यात्री को उतर करके बोलता है कि जाओ ऊंचा जगह पे। यही है कुमारपुर नीरपुर इलाहाबाद बैंक के सामने NH80 राष्ट्रीय राजमार्ग। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि ये बारिश का पानी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित है, इस रूट लाइन की यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इसी के वजह से इस रूट लाइन के ऑटो टोटो ई रिक्शा वाले किराया बढ़ा देता है, जिसके कारण से यहाँ पर आना जाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि बाढ़ की राहत और मौसम की सुधार होने से यहाँ पर कुछ आने जाने का पैदल का रास्ता बन गया, वो भी पैदल का रास्ता सही नहीं है। ई रिक्शा पूरी तरह से डूब जाता है चेचिस तेचिस। इसी गाड़ी पर हम आ रहे थे, इसमें फंस गए हैं। ये जो लोकेशन है आसाटोला नीरपुर के बीच है, यहाँ पर भी उसी तरह है डायवर्सन, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गाड़ी पलटी होगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं कुमारपुर नीरपुर आसाटोला की है, NH80 राष्ट्रीय राजमार्ग मुंगेर भागलपुर की यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। एक तरफ तो NH की निर्माण हो रही है, तो दूसरी तरफ गड्ढा है। गड्ढा इतना है कि इस बार बाढ़ में बहुत सारा गाड़ी एक्सीडेंट किया, जो कि ड्राइवर अनजान था। अनजान ड्राइवर अभी भी फंस रहा है जगह जगह पर, ना कि बाढ़ में। हालांकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर जो आने जाने की यात्री जो आने जाने का काम करता था, वो कल्याणपुर बरियारपुर के बीच ट्रेन की यात्रा से सफर कर रहा है, ना कि NH80 राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये वीडियो सरस्वती नगर झरकावा की है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि बारिश का पानी है। ये वीडियो झरकावा सरस्वती नगर बुढ़िया काली स्थान और छोटी काली स्थान के बीच का है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि बारिश का पानी है। हालांकि 24 घंटा से लगभग मौसम ठीक ठाक है। 4-5 अक्टूबर तक 60-70% बारिश होने की संभावना है, आंधी तूफान गरज के साथ। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कोई नदी नहर तालाब नहीं है, बल्कि बरियारपुर नीरपुर आसाटोला के बीच में इटावला रोड पर बाढ़ का नहीं पानी, बल्कि बारिश का पानी है। एक होता है कि बाढ़ का पानी रहता है, लेकिन ये बारिश का पानी है। यहाँ के यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस रूट लाइन से इतना नागरिक नाराज है कि जो कि कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन से बरियारपुर रोड रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की यात्रा से सफर करना पसंद कर रहा है, ना कि रोड लाइन से आना पसंद कर रहा है। रोड इतना नरक हो गया है कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना दुर्घटना होते रहता है। हालांकि इस बार जो बाढ़ आया था, बाढ़ के पानी आने से यहाँ पर बहुत सारा घटना दुर्घटना, यहाँ तक की रोड जाम भी रहा है। बोलबम की कमरिया जो गाड़ी होता है, उसको कई गाड़ी को कई दिन रिटर्न करके आपस भेजा दूसरे रूट लाइन से।